दोस्तों, स्लीप डिस्क की वजह से आपको उठने बैठने में या चलने फिरने में परेशानी होती है। दोस्तों, कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे हैं जिनका यूज करके आप इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूं कि कुछ लोगों को स्लीप डिस्क की वजह से जो काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है, कई बार दोस्तों उनको चलने फिरने में, उठने बैठने में भी दिक्कत होती है। तो कुछ घरेलू उपाय यूज करके आप इसको, जो ये प्रॉब्लम है, इसको थोड़ा ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों जो आज का हमारा टॉपिक है। दोस्तों, स्लीप डिस्क की जो ये प्रॉब्लम है, ये काफी गंभीर समस्या होती है, और इतनी ज्यादा गंभीर होती है कि कई बार दोस्तों हम चलने फिरने में भी हमें दिक्कत होती है, साथ ही दोस्तों बैठने, उठने या नीचे की तरफ झुकने में बहुत ज्यादा पेन होता है, बहुत ज्यादा दर्द का हमें सामना करना पड़ता है। दोस्तों, आजकल भागदौड़ भरी जिंदगी में हर कोई किसी ना किसी समस्या, कोई ना कोई शारीरिक प्रॉब्लम से परेशान है। उन्हीं समस्याओं में से एक स्लीप डिस्क की समस्या है। ये कोई दोस्तों बीमारी नहीं है, बल्कि एक तरह से शारीरिक मशीनरी की खराबी के कारण पैदा हुई एक समस्या होती है। स्लीप डिस्क में कमर में लगातार दर्द रहता है, जिसकी वजह से झुकने में, बैठने में और कुछ भी काम करने में काफी तकलीफ का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, स्लीप डिस्क का बाहरी हिस्सा एक मजबूत लेयर से, एक मजबूत झिल्ली से बना हुआ होता है, और फिर दोस्तों इसके बीच में एक जेलीनुमा फ्लूइड भरा हुआ होता है। दोस्तों, कई बार एज में, कुछ एज के दौरान ये साथ साथ जो ये फ्लूइड है, ये लिक्विड होता है, ये दोस्तों सूखने भी लग जाता है, या फिर अचानक टूटने या दबाव से ये जो लेयर है, जो झिल्ली होती है, ये कई बार फट जाती है या दोस्तों कमजोर हो जाती है, जिसकी वजह से नर्व्स पर प्रेशर बनने लगता है। वैसे आप इसका दोस्तों डॉक्टरी ट्रीटमेंट, मेडिकल ट्रीटमेंट भी करवा सकते हैं, या दोस्तों कभी कभी कुछ घरेलू टेक्निक अपना कर भी इस पर काबू पाया जा सकता है। दोस्तों, आगे बात करते हैं यहां पर कि स्लीप डिस्क के कारण क्या है, किन कारणों की वजह से ये प्रॉब्लम ज्यादा आती है। हमेशा दोस्तों गलत तरीके से बैठने की जो हमारी हैबिट होती है, झुककर काम करने से भी कमर में दर्द होने लगता है, काफी ज्यादा भारी वेट उठाने के कारण भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। दोस्तों, कमर में किसी तरह का झटका लगना, इसकी वजह से भी दोस्तों अनियमित दिनचर्या या दोस्तों अचानक झुकने की एक हैबिट, बढ़ती एज के साथ जो हमारी हड्डियां हैं वो कमजोर हो जाती हैं, उसकी वजह से भी काफी ज्यादा शारीरिक श्रम के कारण भी दोस्तों कमर में गहरी चोट लगना, हमारी बॉडी में कैल्शियम की कमी आने की वजह से भी, ये कुछ इसके कारण होते हैं जिसकी वजह से स्लीप डिस्क की प्रॉब्लम आती है। बात करें दोस्तों इसके सिम्टम्स की, तो बैठने में कमर में दर्द होना और उस पर दबाव पड़ना। दोस्तों, बैठने उठने में हमें काफी ज्यादा तकलीफ महसूस होना, बहुत ज्यादा दर्द महसूस करना, पूरे शरीर में दर्द का असर होना, दर्द के कारण होने वाली बेचैनी, रीढ़ की हड्डी पर दबाव पड़ना, कमर की मांसपेशियों का कमजोर हो जाना, साथ ही दोस्तों हमें चलने फिरने में भी कई बार दिक्कत का सामना करना पड़ता है। अब बात करते हैं दोस्तों इसे कैसे घरेलू उपाय से ठीक किया जा सकता है। दोस्तों, नियमित रूप से एक्सरसाइज करके, ये तो आप सभी जानते हैं कि एक्सरसाइज करने से हम पूरी तरह से फिट रह सकते हैं। कमर दर्द की समस्या को भी दूर करने के लिए दोस्तों एक्सरसाइज बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। कमर दर्द होने पर रोजाना योग या दोस्तों एक्सरसाइज करें। ध्यान रहे दोस्तों कि कोई भी ऐसी एक्सरसाइज ना करें जिससे कमर पर ज्यादा प्रेशर पड़े। लगातार एक्सरसाइज करने से आपकी कमर में दर्द भी दूर रहेगा और आप फिट भी रहेंगे। दोस्तों, लौंग और काली मिर्च, अगर आप स्लीप डिस्क की समस्या है आपको, तो आप लौंग और काली मिर्च की मदद से भी इससे छुटकारा पा सकते हैं। इसके लिए आप डेली दोस्तों 5 लौंग और 5 काली मिर्च को पीसकर उसका पाउडर बना लें। इसके बाद दोस्तों आप इस मिक्सचर को चाय में डालकर रोजाना 2 बार पिएं। इसके दोस्तों आपको इससे दर्द में भी राहत मिलेगी, साथ ही आपकी स्लीप डिस्क की जो प्रॉब्लम है ये भी दूर हो सकती है। वहीं दोस्तों नेक्स्ट बात करें दालचीनी और शहद। कमर दर्द और दोस्तों स्लीप डिस्क की समस्या होने पर 2 ग्राम दालचीनी पाउडर में 1 चम्मच शहद मिलाकर लें। रोजाना दिन में 2 बार इसका यूज करने से कुछ ही दिनों में स्लीप डिस्क में आपको काफी राहत मिल सकती है। दोस्तों, नारियल ऑयल या कोकोनट ऑयल, अगर आप दर्द से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आप इसके लिए नारियल के तेल से मालिश कर सकते हैं, इससे भी आपको राहत मिल सकती है। दोस्तों, नारियल के तेल में विटामिन डी, कैल्शियम होता है, जो हड्डियों को मजबूत करने का काम करता है, इसलिए ये आपकी कमर दर्द होने पर आपको राहत पहुंचा सकता है।
आप रोजाना नारियल के तेल से कमर की मालिश कर सकते हैं। इसके साथ ही आप नारियल के तेल में सरसों का तेल और एक दो लहसुन की कलियां डालकर तेल को गुनगुना करके फिर इसकी मालिश करें तो ये काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। लेकिन दोस्तों, अगर आपको ज्यादा प्रॉब्लम महसूस हो रही है, अगर इन घरेलू उपाय करने के बाद भी अगर प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रही है, तो तुरंत अपने डॉक्टर से भी संपर्क करें। बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी दवाई या कोई भी ट्रीटमेंट अपने आप से ना करें। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।